प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को याद किया। उन्होंने कहा कि दो महापुरुषों की 150वीं जयंती आ रही है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एनिमेशन दुनिया में नई क्रांति लाने वाले देशों में से एक है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा, भारत एनिमेशन दुनिया में नई क्रांति लेकर आया है। इस दौरान उन्होंने भारत के एनिमेटेड सीरियल का जिक्र किया। आपको बता दें, कल वर्ल्ड एनिमेशन डे मनाया जाएगा। बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते। कितना एक्साइटमेंट था छोटा भीम को लेकर। आपको हैरानी होगी कि आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल अपराध को लेकर जनता को सतर्क किया और लोगों को डिजिटल फ्रॉड के झांसे से बचने के लिए जागरूक होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों से बचने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये तीन चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल एरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल एरेस के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से सोशल मीडिया पर नवाचारों और आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे इस त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खरीदारी करने को कहा।